नीरज हाथ आ रहा है लाइट आ रहा आपका भैया 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 अरे हिलाओ मत ना देखिए सबका स्वागत है। ये गुरु का घर है और गुरु किसी जाति के नहीं होते हैं। सद्गुरु रविदास जी महाराज पूरी दुनिया में मानवता का संदेश उन्होंने दिया और पूरी दुनिया में इनके फॉलोवर्स रहते हैं। इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर कनाडा में, यूएसए में, तमाम जगह जो हैं, फ्रांस में हमारे गुरु घर हैं और वहाँ भी एक बड़ी मान्यता है। उनके दिखाए आदर्शों पर, सिद्धांतों पर लोग चलते हैं और मैं आज यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं हमेशा कुछ भी खाली करने के लिए नहीं आता हूँ। मैं आया हूँ आज यहाँ संकल्प लेने के लिए कि जिस तरह की जुर्म जाति उत्तर प्रदेश में चल रही है वो किस तरह खत्म हो, जिस तरह से यहाँ महिलाओं के अधिकार छीने जा रहे हैं, महिला सुरक्षा पे कोई काम नहीं हो रहा है, रोज बच्चों के रेप हो रहे हैं, हम लोग उसमें मजबूती से काम करेंगे और हम संकल्प लेंगे सद्गुरु रविदास जी महाराज का जो सपना था बेगमपुरा राज का, उसको बसाने का। और शायद आप लोग बेगमपुरा राज के बारे में नहीं जानते हो लेकिन हमारे समाज का एक एक बच्चा बच्चा बेगमपुरा राज के बारे में जानता है। जिस दिन बेगमपुरा राज आएगा तभी ये असली भारत बनेगा, जिसके लिए उन्होंने एक दो लाइनें कही और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा चाहूँ राज में जो मिले सबन्नु अन्न और छोटे बड़े सब संबसे रहे रविदास प्रसन्न। तो गुरु महाराज तब प्रसन्न होंगे जब तमाम तरह की गैर बराबरी यहाँ खत्म हो जाएगी और सब लोगों को बराबर के अधिकार मिले, कोई किसी तरह से परेशान नहीं होगा, ना अन्न की वजह से, ना धन की वजह से और ना ही किसी और परेशानी से, जुर्म जाति खत्म हो जाएगी। तो आज हम संकल्प लेते हैं कि हम 2022 में उत्तर प्रदेश को ऐसा ही प्रदेश बनाएंगे जो उत्तम प्रदेश होगा। ये जंगल राज वाला नहीं जो योगी जी ने अभी कर रखा है, शर्म आनी चाहिए उन्हें। यहाँ बहन बेटे सुरक्षित नहीं और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठे आदमी। Yeah, I mean, yeah.